हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 4,780 फुट की ऊंचाई पर स्थित धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चौथा एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम भारतीय मैदानों सहित विश्व के सबसे खूबसूरत मैदानों में शुमार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चौथा एक दिवसीय मैच भारत और श्रीलंका के बीच 10 दिसंबर को खेला जाएगा। 10 दिसंबर को धर्मशाला में हजारों दर्शकों की मौजूदगी में सीरीज का पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप सहित टेस्ट मैच का सफल आयोजन हो चुका है। धर्मशाला मैदान में दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच डे और नाइट खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ धर्मशाला ने 10 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम श्रीलंका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच के सफल आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की नींव वर्ष 2002 में रखी गई थी। 60 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम में लगभग 27,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि धर्मशाला में 10 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम श्रीलंका के बीच एक दिवसीय मैच के सफल आयोजन के लिए तैयारियां अंतिम दौर पर चली हुई हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि दोनों टीमें मैच के 2 दिन पहले पहुंच जाएंगी। संजय शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा निर्मित होटल द पवेलियन में दोनों टीमों के ठहरने का प्रबंध किया गया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो 10 दिसंबर को होने वाले भारत श्रीलंका एक दिवसीय मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी तैयारियां जो है वो समय रहते जो है वो पूरी कर ली जाएंगी। मैदान और मैदान के अंदर विकेट के काम जो है वो लगभग इनको भी अंतिम रूप दिया जाएगा और खिलाड़ियों के ठहरने के लिए, दर्शकों के लिए कोई किसी तरह की असुविधा न हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और सारा जो है वो कार्यक्रम जो है वो तय समय के अनुसार जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो सर टीमें कहाँ ठहरेंगी और कब तक? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का होटल द पवेलियन जो है वहाँ पे दोनों टीमों को ठहरने का इंतजाम किया गया है। दोनों टीमें जो है वो लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे जो है वो पहुंच जाएंगी और यहाँ पे अभ्यास भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ शीघ्र जो है वो मीटिंग होगी और सभी तैयारियां जो है इसके चलते पूरी कर ली जाएगी।